गाइस आप लोगों को मालूम है पूरी के साथ दो ही सब्जियां अच्छी लगती हैं, एक तो चने की छोले और दूसरे आलू की सूखी सब्जी। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आलू की सूखी सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने आलू लिए, इसको मैंने वॉश करके छील लिया अच्छे से। इसके बाद हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपने एकदम बारीक काट लेना है। बारीक काटोगे तो सब्जी भी आपकी जल्दी पक जाएगी, 5-10 मिनट में सब्जी रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपने इसका तड़का रेडी करना है। तड़का रेडी करने के लिए देखिए मैंने मस्टर्ड सीड डाला है, राई का दाना। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, अक्खा जीरा 1 चम्मच। इसके बाद हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हरी मिर्चियाँ ऐड करेंगे, ग्रीन चिली। इसके बाद आपने चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड करना है। ऑनियन ऐड करने के बाद आपने टमाटो ऐड करना है और ये मसाले को आपने पका लेना है अच्छे से। इसके बाद आपने मसाले ऐड करना है, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करना है आपने। इसके बाद नमक ऐड करना है टेस्ट के अनुसार। इसके बाद आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद आपने गरम मसाला ऐड करना है इसमें और पूरे मसाले को आपने अच्छे से पका लेना है, भून लेना है मसाले को अच्छे से। वीडियो देखते जाइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आलू की सूखी सब्जी कैसे बनाई जाती है। हम लोग मोस्टली होटल में इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद इसमें आलू ऐड कर लेना है आपने। आलू ऐड करने के बाद हल्का मिक्स कर लेना है आपने मसाले के साथ और इसको कवर करके रख लेना है आपने 15 मिनट के बाद। कवर उठा के दो तो आलू हल्का हल्का हमारा पकने लग गया है। इसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर लेंगे और फिर से हम इसको कवर कर देंगे। पंद्रह मिनट के बाद हमारा आलू का सब्जी, जो सूखा आलू का सब्जी होता है, वो रेडी हो जाएगा। अक्खा अक्खा रहेगा, आपने इसको कड़छे से हल्का हल्का दबा के मिक्स कर लेना है और इसके बाद गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व करना है। तो गाइस कैसे लगी आप लोगों को आलू की सूखी सब्जी की ये रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।